बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जांपल 4.6, इसको हम स्टैटिक्स भी कहते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है और उसको हम स्टडी करते हैं, तो वो स्टैटिक्स होती है। और ये भी मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स की तरह, ठीक है। और इसमें फ़ोर्स इन्वॉल्व होती है लाजमी तौर पर। अब हम इसको, इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं कि इसमें क्या स्टोरी है। इसमें एक स्टोरी बयान हुई है इस डायग्राम के बारे में, ठीक है। A uniform rod of length 1.5 meter is placed over a wedge at 0.5 meter from its one end. A force of 100 newton is applied at one of its ends near the wedge to keep it horizontal. Find the weight of the rod and the reaction of the surface. अब इसमें बताया ये जा रहा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब ये है कि एक ऐसी रॉड है जो एक ही मटेरियल से बनी हुई है। मसलन अगर लोहे से बनी है तो पूरे का पूरा लोहा ही है, अगर ये प्लास्टिक की है तो पूरे का पूरा प्लास्टिक ही है, ठीक है। मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है इसमें, यूनिफॉर्म है। मतलब ये है कि जैसे हथौड़ा होता है एक साइड से भारी और एक साइड से हल्का, इस किस्म की नहीं है ये। इसकी जो डेंसिटी है ना वो एक जैसी है। और इसको, ये 1.5 मीटर की रॉड है और इसको क्या किया गया है, इसको बीचों बीच बैलेंस नहीं किया गया, बल्कि एक वेज रखा गया जो एक तरफ से ना 0.5 मीटर के फासले पर रख दिया गया है। मतलब एक तरफ से करीब है और दूसरी तरफ से दूर है। अब ऑफ कोर्स अगर हम ऐसा रखेंगे तो रॉड तो नीचे जा रहा होगा, बैलेंस तो नहीं होगा। फिर इसको बैलेंस करने के लिए शॉर्ट वाली साइड से, छोटी साइड से एक्स्ट्रा 100 न्यूटन की फोर्स इन्होंने लगा दी है, ठीक है, ताकि रॉड बैलेंस हो जाए। फिर रॉड क्या हुआ कि बैलेंस हो गया। अब हमें करना ये है कि हमें इस रॉड का अपना वेट क्या होगा ये मालूम करना है, W, और रॉड के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, ये W नीचे लग रहा है और ये 100 न्यूटन की एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है, इन दोनों फोर्सेस का जो रिएक्शन है R, ये कंबाइन होगा, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है, ये R और W हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम नोट डाउन करते हैं, डेटा बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फोर्स है, 100 न्यूटन की। और अच्छा, अब हम एक काम कर लेते हैं डायग्राम में, वो बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। हम नाम रख लेते हैं, रॉड है ए बी, रॉड का एक एंड ए कहलाएगा और दूसरा एंड बी कहलाएगा। और रॉड को जिस जगह टिकाया गया है उस पॉइंट को हम ओ कह देते हैं, सेंटर। अक्सर हम ओ को ओरिजिन या सेंटर कहते हैं, ठीक है, ओके। और रॉड का जो अपना सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको हम कहते हैं, उसको जी कह दिया गया है, यस, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं फासला रॉड का वेज तक ए ओ और दूसरी तरफ का ओ बी, ये मोमेंट आर्म बनेंगे दोनों, yes. ये एक, ये एफ फोर्स का मोमेंट आर्म ओ ए है, yes. ये एक टॉर्क पैदा करेगा और ओ बी डब्ल्यू, ये ओ बी जो है ना ये दूसरा मोमेंट आर्म है, लेकिन क्योंकि W इस जगह एक्ट कर रही है तो ओ जी इसका मोमेंट आर्म बनेगा, ओके, क्योंकि वेट सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है, ठीक है। वेट यहाँ एक्ट नहीं करेगा, वेट यहाँ एक्ट करेगा, ठीक है। तो ओ जी, ये दो फासले बहुत अहम हैं, ओ ए और ओ जी, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है, बस इन दो को याद रखना ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब फोर्स आपकी 100 न्यूटन है और इस फोर्स का जो मोमेंट आर्म है ओ ए, वो 0.5 मीटर है, हमें पता है ये एक टॉर्क देगा हमें, यस, ठीक है। और इसका टॉर्क कैसा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, घड़ी इस तरफ चलती है ना, यस, घड़ी इस तरफ चलती है, ये इस तरफ होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो गया, ठीक। और एक टॉर्क हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है, ओ जी का जो फासला है ना, ठीक है, ए जी और बी जी आपस में बराबर हैं, ए जी और बी जी आपस में बराबर हैं, क्योंकि जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ए से भी उतना दूर है और जी से भी उतना दूर है, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होता है, ए जी बी जी बराबर हो गया। हमें ए जी बी जी नहीं चाहिए, हमें ओ जी चाहिए, क्या चाहिए, ओ जी, क्योंकि ये डब्ल्यू का मोमेंट आर्म है ना, यस, ठीक है। तो ओ जी कैसे निकलेगा, हम ओ बी में से इसको माइनस करवा लेंगे, यस सर। तो हमें अब अगला जो टार्क है ना उसके लिए हमें ओ जी चाहिए, ठीक है। डब्ल्यू एक्ट कर रहा है जी के ऊपर और जी से लेकर ओ तक का फासला ओ जी है, तो हमें ओ जी फाइंड आउट करना है। ओ जी मालूम करने के लिए ये है कि हमें पता है कि रॉड का जो सेंटर है ना वो 0.75 तक है, क्योंकि 1.5 मीटर की रॉड है, यानी 150 सेंटीमीटर की है, तो 75 सेंटीमीटर पे इसका सेंटर बन रहा है 0.75 पे, यस, ठीक है। अब इस सेंटर
तक ना अगर मैं ए ओ का फासला निकाल लूँ, ये जो वेज का फासला है यहाँ तक काट दूँ इसको, तो बाकी जो बचेगा वो ओ जी होगा ना। यस ठीक है, तो ए से लेकर ओ तक, ठीक है, मैं ये वाला काट देता हूँ, ये जो बचा आपका ओ जी तक, ये आपका, यही हमें ओ जी चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो ए जी, ये ए जी है, रॉड का सेंटर तक का फासला, ये ए ओ है, ये वेज तक का फासला, सेंटर तक के फासले में से मैं वेज तक का फासला निकाल लूँ, बाकी ओ जी बचेगा। अब ये बताएं आपको पॉइंट क्लियर हुआ है? यस 0.75। ठीक है, ये सेंटर, ये आधी रॉड है, और इसमें से मैं माइनस करूँगा वेज तक का फासला, ये वेज यहाँ है ना, यस सर, ये फासला माइनस कर लूँगा ए ओ। 0.5। ठीक है, ये 0.75 है, ये ए ओ है, ये है 0.5। ठीक है, तो 0.75 में से मैं 0.5 निकालूँगा, तो 0.25 बचेगा। यस सर। ठीक है, आप यूँ, मैं इसको सीधे सीधे ये भी कह सकता हूँ कि ये 75 था ना, 75 सेंटीमीटर, ठीक है, यस, और वेज पड़ा हुआ है 50 सेंटीमीटर पे। ठीक है, यस, तो 75 में से 50 गए 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.25 मीटर। अब तो क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया ना। yes. तो अब ये जो आपका 75 है ना, ये आपका ए जी है, क्योंकि पूरी रॉड आपकी ए बी थी। यस सर। तो सेंटर आपका जी है। ठीक है, तो ए जी बी जी 75-75 हुए ना, रॉड के दो टुकड़े करें। यस yes, सर। तो एक टुकड़ा ए जी है, ए जी में से मैं वेज तक का फासला, वेज ओ ए है, ओ ए निकाल लेता हूँ, ए जी में से ओ ए निकाल लेता हूँ, तो आपके पास ओ जी बचेगा, यही ओ जी तो तलाश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यही ओ जी, ये इस ओ पॉइंट पे घूमेगा, यही ओ जी एक क्लॉक वाइज टॉर्क पैदा करेगा, ये तो एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क हुआ ना। यस। और ये क्लॉक वाइज टॉर्क पैदा करेगा। ठीक है, ओके, अब 0.25 आपको मिल गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये एक क्लॉक वाइज टॉर्क देगा, मैंने इसीलिए ये फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है डब्ल्यू और आर। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, क्योंकि रॉड घूमेगी ना, रॉड चाहती है मैं घूमूं, रॉड घूमना चाहती है, लेकिन ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। ठीक है, नहीं घूमेगी, बैलेंस हो जाएगी। अब हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले तमाम टॉर्क अगर बैलेंस हो जाएं, T1, tau1, tau2, tau3 जितने भी हैं, अगर उनका सम ज़ीरो हो जाए, ठीक है, yes, तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम यही कंडीशन इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यहाँ 2, 3, 4 टॉर्क नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 3 टॉर्क है। ठीक है, उसूली तौर पर 2 टॉर्क हैं, लेकिन एक टॉर्क और भी है। अब देखिए इस रॉड पे ना, इस रॉड पर वैसे तो 2 टॉर्क एक्ट कर रहे हैं। यस। एक तो आपकी फोर्स है 100 न्यूटन की, और उसका फासला है ओ ए, ठीक है, 0.5 मीटर का। एक तो ये टॉर्क हो गया, ये आपकी फोर्स हो गई, और ये आर्म हो गया, 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा आपका जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, yes, और उसका जो है ना वो ओ जी है, ठीक है, फासला 0.25 मीटर का। ठीक है, एक ये टॉर्क पैदा कर रहे हैं, नज़र तो 2 टॉर्क आ रहे हैं, एक और एक्स्ट्रा टॉर्क भी है उसूली तौर पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उसूली तौर पर है, एक फोर्स रिएक्शन भी तो है ना। ठीक है, yes, अब रिएक्शन जो है ना वो उसी सेंटर में लग रही है, जो फोर्स सेंटर में लगती है ना, उसका मोमेंट आर्म ज़ीरो होता है, उसका टॉर्क निकलता नहीं है, पैदा नहीं होता है। yes, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई होने से ना वो टॉर्क पैदा होते ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये ओ आर एक टॉर्क आ तो रहा है, लेकिन ये ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो। ठीक है, असल में 2 टॉर्क हैं, एक ये है, ठीक है, ये एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क है, और ये दूसरा टॉर्क आपका ये है, ये क्लॉक वाइज टॉर्क है, तो ये इसलिए 2 टॉर्क आ जाएंगे, एक आपका एफ और एक ओ ए। yes, ये F मल्टीप्लाई बाय ओ ए, और ये बीच का टॉर्क, ये हमें लिखना तो पड़ेगा, मैथमेटिकली तो है। yes, लेकिन फिजिकली ज़ीरो हो जाएगा, ये आपका रिएक्शन, और इसका जो रेडियस है ना मोमेंट आर्म, वो है ही नहीं, ज़ीरो है। yes, ठीक है, तो इसलिए इसका टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। आप कोई भी नट ले लें और उसको पाना बिल्कुल सेंटर में मारते रहें, तो उससे ना नट इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ना कसेगा ना खुलेगा। ठीक है, उसका टॉर्क ही नहीं होगा, इसलिए ये तो ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया। ठीक, और ये एक इसका क्लॉक वाइज टॉर्क है। ठीक है, ये वाला, और आपका ये वेट है W, ये एक्ट कर रहा है, और OG, वेट मल्टीप्लाई बाय OG। ठीक है, ये 3 टॉर्क हो गए, इसको ज़रा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब आप वैल्यूज पुट करें ज़रा इस इक्वेशन में। ठीक है, इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपको 3 टॉर्क नज़र आ गए होंगे,
ये एक टॉर्क, ये दूसरा और ये तीसरा। अब वैल्यूज को पुट करें, फोर्स 100 न्यूटन, ओ ए हमें पता है कि जो वेज को रखा गया था वो 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 पे रखा गया था, तो ओ ए आपका 0.5 है, इसलिए आपने 0.5 रख दिया। अब दूसरा टॉर्क तो निल है, आपको पता है निल क्यों है, हालांकि ये आर सबसे ज़्यादा फोर्स है, ठीक है, ये कंबाइन है एफ और डब्ल्यू का, लेकिन ये निल इसलिए क्योंकि इसका मोमेंट आर्म ही नहीं है, ये जो सेंटर है मरकज़ है ये उसके ऊपर ही लग रही है, मरकज़ से थोड़ी दूर होती ना तो इसका आर बन जाता मोमेंट आर्म, ठीक है, तो अच्छा खासा टॉर्क पैदा होता है, लेकिन आर इसका है ही नहीं, जीरो है, सेंटर के ऊपर है। तो अब ये था एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क, और ये है निल टॉर्क, निल जीरो ना क्लॉक वाइज ना एंटी क्लॉक वाइज, और ये है क्लॉक वाइज टॉर्क, ठीक है, वेट और ओ जी के साथ। और आपको पता है कि ये ए जी, ए जी 75 में से 5 गए, 50 गए, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर को आप मीटर में रखेंगे तो 0.25, तो 0.25 मीटर इसका ओ जी है। डब्ल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब आप देखें पूरी इक्वेशन में हमें एफ पता है, ओ ए पता है, ओ जी पता है, ये तो है ही ज़ीरो, हमें सिर्फ डब्ल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, और इस तरह की इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाती है, जिसमें एक चीज़ अननोन हो, सब चीज़ें पता हो, एक चीज़ पता ना हो, वो आराम से सॉल्व हो जाती है ईजिली, ठीक है। अब आप देखें कि ये कैसे सॉल्व होगी, इसको आप इक्वल के इस को इस पूरी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन आपके सामने, फिर करते हैं इसको, 100 × 0.5 − W × 0.25, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप W × 0.25 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, 100 × 0.25 ये हो जाएगा W × 0.25, ये तो 0.5 था, सॉरी 0.2 मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक है, 100 × 0.5 हो गया, और इक्वल के इस तरफ क्या हो गया, W × 0.25। अब ये आप डिवाइड में ले जाएं, 0.25 को डिवाइड में ले जाएं, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 × 0.5 / 0.25, ये आपका W के बराबर है, ठीक है। अब आप चाहें तो सबसे पहले आप ये दो जीरोस 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है, ये दो जीरोस इसको मिलेंगे ना 0.5 को, इसका पॉइंट दो स्टेप इधर चला जाएगा, एक ज़ीरो लगा के इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 50, और ऊपर नीचे क्या होगा 0.25, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाएं, पॉइंट के पीछे दो डिजिट हैं, ऊपर दो ज़ीरो लगा दें, ठीक है, अब आप वेट फाइंड आउट करने के लिए 5000 को 25 से डिवाइड कर लें, ठीक है, ठीक है, 25 × 25 = 25, 2 = 50, और दो जीरोज ऊपर भेज दें 200, तो वेट आ जाएगा 200 न्यूटन, ओके, ठीक है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट में आर फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना आसान है, ठीक है, इसके मुकाबले में काफ़ी आसान है। अब हम कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे इस रॉड के ऊपर, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे, इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहती है किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम अगर ज़ीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को देखते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं। आप देखें एक फोर्स इस पे एफ है जो एक्ट कर रही है, एक डब्ल्यू है, और एक है रिएक्शन, ये तीनों फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस हैं, अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं है, सारी की सारी फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस हैं, तो सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस सिग्मा एफ एक्स तो पहले से ही ज़ीरो हो गया, इसको तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, हम डिस्कस किसको करेंगे, सिग्मा एफ वाई को, ठीक है। तो अब हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब सिग्मा एफ वाई, वाई एक्सिस पे कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, इसको जूम कर लेते हैं, वाई एक्सिस पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो तीन हैं, एक है एफ, ये रॉड है आपकी, ये रॉड है, ठीक है, ए बी, ये इसका जी, और ये जहाँ पे टिकी हुई है ओ, ठीक है, ये रोड है ना आपकी, इस पे कौन सी फोर्स है, एक एफ है, और जी के ऊपर इसका वेट डब्ल्यू है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया 200 न्यूटन, और ये ओ के ऊपर इसका रिएक्शन आर फोर्स है, ये तीन फोर्सेस हैं, तीनों अलोंग वाई एक्सिस हैं, दो डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं, एक अपवर्ड, ठीक है, तो जो अपवर्ड है वो प्लस वाई एक्सिस की तरफ जा रही है,
जो दो डाउनवर्ड हैं वो माइनस वाई एक्सिस की तरफ जा रही हैं, ठीक है? यस सर। तो ये दोनों नेगेटिव हो गई, ठीक है, और ये पॉजिटिव हो गई, ठीक है? अब आप देखें, आर पॉजिटिव रखा है, 100 न्यूटन नीचे जा रहे हैं, माइनस का 100 न्यूटन रखा है, डब्ल्यू नीचे जा रहे हैं, माइनस का 200 न्यूटन रखा है। सम ऑफ ऑल थ्री फोर्सेज इज इक्वल टू 0 कर दिए, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, दोनों को जमा करेंगे, आर माइनस का 300, माइनस का 300 उधर भेज दें, क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 300 न्यूटन आंसर, ठीक है? दस द वेट ऑफ रॉड इज 200 न्यूटन एंड द रिएक्शन ऑफ द वेज एंड द रिएक्शन ऑफ द रॉड ऑन द वेज इज 300 न्यूटन, ठीक है? और वेज का जो रिएक्शन है वो 300 न्यूटन है, ठीक है? सॉरी, रॉड का रिएक्शन नहीं है, वेज का रिएक्शन है, ठीक है? सही लिखा हुआ है, दैट्स राइट, 300 न्यूटन है, ओके? और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट देखें यूज़ है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स का सुनने में इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ठीक है? लेकिन इनका जो इस्तेमाल है ना स्टैटिक्स में, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टडी करना, यस, उसमें इन कंडीशंस का बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ होता है और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए इंजीनियरिंग में ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जहाँ ब्रिजेज एंड बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है? जैसे पीसा टावर है, क्यों खड़ा हुआ है, उसको हमें गिरने से रोकना है, स्टेशनरी रखना है, ठीक है? तो अब हमें सेंटर ऑफ मास के ऊपर इसी किस्म की कैलकुलेशंस करनी होती हैं, ठीक है? और हम किसी टेढ़ी बिल्डिंग को भी हम बता सकते हैं कि वो क्या किया जाए कि वो गिरे ना, अगर गिरेगी तो कब गिरेगी, ये भी बता सकते हैं, ठीक है? अब फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की हालतें, ठीक है? कि कौन कौन सी हालतों में इक्विलिब्रियम हमें मिलता है, ठीक है? इक्विलिब्रियम की हालतें भी होती हैं, ठीक है? मुख्तलिफ हालात में, जैसे इंसान कभी गरीब कभी अमीर, ठीक है, कभी खुश कभी परेशान, कभी लेटा हुआ कभी बैठा हुआ मिलता है हमें, होता वही एक इंसान है। अब यही इक्विलिब्रियम है, इसके भी कई रंग हैं, कई रूप हैं, ठीक है? अब हम इसके ज़रा कुछ अहम रंग रूप देखेंगे कि किन रंग रूप में हमें इक्विलिब्रियम नज़र आता है, ठीक है? पहला रंग रूप जो इसका ज़्यादा मशहूर रंग रूप है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। हर चीज़ इसी इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है, इस कायनात के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये वो इक्विलिब्रियम की स्टेट है जिसमें उनकी एनर्जी कम होती है, मिनिमम एनर्जी होती है, और ये इनको पसंद है, ठीक है? रिलैक्स, यस, हम जब रात में सो जाते हैं ना तो हम भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है? ये वो इक्विलिब्रियम की स्टेट है, इसमें ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो मिनिमम फासले पे होता है, ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम से कम फासले पर होता है। अगर ऑब्जेक्ट को, इसकी डेफिनेशन ये है और इसकी पहचान ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करें, उठाएं, हिलाएं, वो वापस उसी स्टेट में आ जाएगा, ठीक है? जैसे एक ईंट है, ईंट, अगर आप ईंट को इस तरह खड़ा करें, ठीक है, आप इसको हिलाएं तो ये गिर के ऐसे हो जाएगी, ठीक है? यस। अब अगर इस स्टेट में इसको हिलाएं तो इस स्टेट में मुश्किल से जाएगी, जाने के चांसेस नहीं है, बल्कि वापस उठा के छोड़ें फिर इधर आ जाएगी, क्योंकि जब इधर है ना तो इसका सेंटर ऑफ मास ऊंचा है, ठीक है? जब इधर है तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे है, ठीक है? तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब आपको समझ में आया, दोनों स्टेट्स आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर ए स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। बॉडी को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहेंगे अगर हम उसको थोड़ा सा टिल्ट करें तो वो अपनी उसी हालत में वापस खुद ब खुद पहुंच जाए, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है? और आपको पता है कि अगर मैं एक बुक टेबल पे रखी हुई है इस तरह, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, उसको उठाएं हिलाएं वो इसी स्टेट में रहना चाहती है, ठीक है? और अगर आप बुक को ऐसे खड़ा कर दें तो बुक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि ज़रा सा आपने यूं उंगली से पुश किया तो ये गिर जाएगी, यस, ठीक है? यहाँ भी कुछ इसी तरह की मिसाल दी गई है, ठीक है? ऑब्जेक्ट के गिरने की पोजीशन ये होती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका बॉडी से बाहर निकले, यस, बाहर निकलेगा तो गिरेगा, ठीक है? अब देखें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की वो इक्विलिब्रियम की स्टेट जहाँ से उसको ज़रा सा हिलाया जाए, ठीक है,
तो वो अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज कर ले, उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके जैसे पेंसिल अपनी नोक पे खड़ी हुई है, ठीक है, अब आपको पता है कि ये अनस्टेबल पोजीशन है, यस, इसमें स्टे नहीं करेगा, ठीक है, बहुत ही माइक्रो न्यूटन में भी फोर्स अगर एक डायरेक्शन में लगी है गिर जाएगी, ठीक है, एक न्यूटन फोर्स के का लाखवां हिस्सा भी इसको हिलाने के लिए, और हल्की सी हवा, मक्खी के पर की हवा भी इसको गिरा देगी, यस, ठीक है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये अप्लाई होता है गाड़ियाँ बनाने में, बहुत अच्छी और वैलिड पिक्चर दी गई है यहाँ पे। इफ़ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजिशन व्हेन इट सेट्स फ्री आफ्टर इट्स स्लाइटेस्ट टिल्ट इज सेट टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हल्का सा, वही जैसे मैं कह रहा हूँ, मक्खी के पर की हवा लगे, ऑब्जेक्ट गिरे, वापस अपनी पोजिशन में ना आए, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब गाड़ियों की तस्वीर क्यों दे दी गई है यहाँ पे, अहम है और जायज़ काम किया है इन्होंने ये तस्वीर दे के। क्या जायज़ काम किया है, देखें, व्हीकल आर मेड हैवी एट द बॉटम, गाड़ियों को नीचे से भारी बनाया जाता है, दिस लोअर्स देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड हेल्प्स टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी। गाड़ियों का जो नीचे अंदर इसकी चेसी होती है, हर गाड़ी की चेसी जो होती है ना, वो उसको भारी, वही ज़्यादा भारी होती है, वो जैसे इंसानों का ढांचा होता है ना, वो गाड़ी का ढांचा होता है, वो उसको नीचे से भारी बनाते हैं, इससे गाड़ी का निचला हिस्सा ना भारी हो जाता है, यस, ठीक है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो सड़क के बहुत नज़दीक रहता है। अब गाड़ी तेज़ टर्न काटे या उसकी टक्कर हो जाए, उसके उल्टा होने का या पलटने का खतरा कम होता है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स कार बहुत नीचे लग के चलते हैं, यस, ज़मीन के, ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा फार्मूला वन एक कार होती है जो बनी ही रेसिंग के लिए होती है, ठीक है, वो बहुत ज़मीन के करीब बनाई जाती है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो ड्रैग कम होता है, हवा को काट के ऊपर से ये नीचे से निकल जाती है, और एक नेगेटिव थ्रस्ट बनता है, यानी अपवर्ड फोर्स बनती है ऊपर से। आपने फ्रिक्शन में पढ़ा है कि ऊपर जो फोर्स पड़ती है उससे फ्रिक्शन बढ़ता है, टायरों को और रगड़ मिलती है। और दूसरा ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहता है और गाड़ी शार्प टर्न ले सकती है, जहाँ पर ट्रक और कोचेस ईजिली ऊंधे मुँह गिर जाएंगे, कल्टी हो जाएंगे, ट्रक या ट्रेलर, वहाँ पे बड़ी आराम से शार्प टर्न लेके चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट को जब भी आप हिलाएं, हर बार एक नई पोजीशन में आ जाएगा, यस, और वो पोजीशन उसकी पहले वाली पोजीशन जैसी होगी, ठीक है, यस, तो हिल भी रहा है, अपनी पोजीशन पे वापस भी नहीं आएगा, लेकिन जो न्यू स्टेट है और प्रीवियस स्टेट है उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही होगा जहाँ पहले था, ठीक है। इफ़ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट इज़ सेट टू बी इन स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, जैसे गेंद है, ठीक है, थोड़ा पुश करें आगे जाके, फिर वही, वहाँ भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2 सेंटीमीटर होगा, और ठोकर मारें और नई जगह पे रुक जाएगी, वहाँ भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना होगा, हर स्टेट पिछली स्टेट की तरह, इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। न्यूट्रल का मतलब कोई तब्दीली नहीं, ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो गया, ठीक। स्टेबिलिटी एंड पोजीशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब ये इन्होंने अच्छा किया है, ये चीज़ इन्होंने ऐड की है, ठीक है। कुछ ऐसे खिलौने होते हैं जो लगता है ऐसे कि जादू हैं, लेकिन वो जादू नहीं है, असल में उनके पीछे फिजिक्स होती है। आपने एक बाज देखा होगा, ईगल होता है, इस तरह की चीज़ के ऊपर रखा जाता है। मैं जब छोटा था ना, मैंने उसको देखा था, मैं बड़ा हैरान होता था, उस टाइम मुझे पता नहीं था ये फिज़िक्स में ये काम बहुत सिंपली आसानी से हो जाता है, ठीक है। वो ईगल सा होता है, उसके बाज होता है, उसके परों को आगे से भारी बनाते हैं, ठीक है, आगे से भारी बना, जी हाँ, ऐसे। मैं एक डॉक्टर के पास गया, उसकी टेबल पे ये रखा हुआ था, और वो नोक पे ना ईगल खड़ा हो जाता है, यस, ठीक है, इस तरह ऐसे उड़ता रहता है, एक सॉलिड चीज़ के ऊपर उसको रख दें, या फिंगर पे भी ऐसे खड़ा हो जाता है। क्या करते हैं, अगर आप उसको देखें, इस जगह पे ना, इस जगह पे प्लास्टिक के अंदर कोई हैवी चीज़ लगा देते हैं या प्लास्टिक को थिक कर देते हैं, और पीछे से इसको पतला बनाते हैं, यस, ठीक है। अब आप देखें ना, इसको अगर आप क्रॉस करके देखें, तो इस तरफ का टॉर्क और इस तरफ का जो टॉर्क है वो बराबर हो रहा होता है, यानी इस तरफ का वेट इन दो विंग्स के, इस तरफ का वेट
और इस तरफ का वेट बराबर होता है, इसलिए बैलेंस हो जाता है। यस ठीक है, तो ये भी कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये इसमें ये जो फोर्क होते हैं कांटे, ठीक है, इनके इनसे और टूथपिक से भी कुछ लोग बनाते हैं, बहुत अच्छी सी चीज़ बनाते हैं। ठीक है, इनको फंसा देते हैं, इन फोर्क्स को, चमचों को, बीच में टूथपिक फंसाते हैं और उसको एक गिलास पे रख देते हैं। ठीक है, वो ऐसे खड़ा हो जाता है, फिर इधर से तीली से आग लगाते हैं, तीली यहाँ तक जलते हुए यहाँ पहुँच जाती है और ये फिर भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह स्टेबिलिटी के साथ खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि तमाम फोर्सेज इस पर, नेट फोर्स ज़ीरो हो चुकी होती है। ठीक है, इट लुक्स वेरी ये जादू जैसा लगता है, लेकिन जादू नहीं है, इसके पीछे फिजिक्स है। ये देखें कुछ ये भी हैं चीज़ें। ठीक है, कि तोता होता है और वो बैठ जाता है, असल में इसका नीचे वाला हिस्सा भारी बना दिया जाता है। यस, और ऐसे टूथब्रश आते हैं, टूथब्रश मैंने ऐसे टूथब्रश देखे हैं बच्चों के, उनको रखें टेबल पे रखें तो वो टूथब्रश खड़े हो जाते हैं, नीचे गिरते नहीं। इनका फ़ायदा ये होता है कि ये इनके ना, इनका ये ब्रश वाला हिस्सा ख़राब नहीं होता है। ठीक है, नीचे नहीं लगता, किसी चीज़ को टच नहीं करता, तो इनका ब्रश वाला पार्ट गंदा नहीं होता है। यस, इन टूथब्रश को क्या करते हैं, नीचे से ना मेटल लगा देते हैं भारी, और ऊपर से इनको बहुत हल्का बनाते हैं। ठीक है, यस सर। अब जब इसको रखते हैं ना टेबल पे, ये टूथब्रश खुद ही खड़ा रहता है, गिरता नहीं है, इसको आप मारें फिर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, यस। तो ये इसकी वजह ये है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है, हालांकि ऑब्जेक्ट ऊँचा है, सेंटर ऑफ मास इधर होना चाहिए, लेकिन नीचे लेड या कोई हैवी मेटल अगर लगा देंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेड तो नहीं लगाते, जहरीला होता है, लेकिन और हैवी डेंस मेटल्स तो है ना, वो लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ नीचे हो जाता है। तो आम टूथब्रश का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं होता है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म डेंसिटी का होता है। ठीक है, आप यूँ समझे जैसे हथौड़ा होता है ना, हथौड़े की तरह का वो बन जाता है, हथौड़ा ऊपर से कितना हल्का होता है, और सारा वजन उसका नीचे है। यस सर। ठीक है, बस अब आप सोचें सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हथौड़े का इधर कहीं होगा। यस। अगर ऊपर बिल्कुल ही हल्का, फिर आप इसको टूथब्रश बना दें, उसको एक यूं शेप दे दें, ठीक है, ये टूथब्रश गिरेगा नहीं। अब समझ में आ गई बात। यस। तो फिजिक्स में हम इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके ऐसी चीज़ें ईजाद कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और इंशाल्लाह हम इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं, MCQs हैं, वो हम अलग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, okay. वो पूरी एक सीरीज़ होगी जिसमें पूरी बुक के हम MCQs सॉल्व करेंगे, और एक पूरी सीरीज़ होगी जिसमें हम पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो अलग सीरीज़ होगी, और ये जो सीरीज़ है इसमें हम पूरी स्टोरी बयान कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट स्टोरी एंड एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो हमारा जो फिज़िक्स है ना, ये उसकी केक की सबसे ऊपर वाली लेयर है। अभी हम ऊपर वाली लेयर खा रहे हैं। ठीक है, yes. बाद में हम नीचे वाली लेयर्स को खाएंगे। ठीक है।